इन संतों ने, इन सदगुरुओं ने इस सारे साधन को तीन भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8 घंटे के हिसाब से तीन भागों में बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से आपके 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपको अपने हो जाएंगे और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 घंटे निरंतर ईश्वर का ध्यान बना रहेगा और सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त होगी। अभी मैं साधना की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूँ जिसमें 8 घंटे का ध्यान आपका अपना हो जाएगा। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा करकर हमें मनुष्य योनि प्रदान की है, ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने यह मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्यों ने जो हमें बड़े भाग से मिली है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि यह मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है और मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है और कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें प्रतिशील रहें तो उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, जितने पंथ हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीर साहब जी ने कहा है, कबीरा हर की भक्ति कर तज विषया रस चौंच बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। कबीरा हर की भक्ति कर तज विषया रस चौंच बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, विषय वासना के आनंदी मिथ्या जन्म बिगार मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर अवसर में परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षि ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो चाहे सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायकाल, ये दो समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी पूजा करते हैं। लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि आपको इस पूजा का क्या लाभ, तो चार बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, देखा देखी हम भी करते हैं, गॉड फियरिंग है, अच्छा है, और इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं। अगर हमें पूछें कि इससे आपको कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं, यदि इस तरीके से आप पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी और ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके।
किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। संसार में हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद चलते हैं, लेकिन ये सब होते आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, कुछ लोगों को मूर्ति से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वो है साकार पुजारी, और जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वो है निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता, इन संतों ने, जो साकार पुजारी हैं, उनका प्रथम कार्य एक इसका निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूरत आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको मालूम नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, और इससे ऊपर उठें तो मैं कहूँगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए, और वो जब ही हो सकता है जब आपका एकिष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे। कल्पना करें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए। तो क्या होगा? आपके वैरमुखी विचारों की दुनिया से मन हटकर ईश्वर की तरफ लगेगा, और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर की तरफ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने इष्ट की मूरत बाहर बनाइए आप अपने सामने, कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, और उस पवित्र मूरत को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से बैठाएं, इतने प्यार से करें कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से इसे मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। और जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तिष्क पर भार था वो हल्का हो गया। ये पूजा का तरीका जो इन संत महात्माओं ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, भगवान के नाम को पकड़े बड़े प्यार से,
और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता हो। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे, हिंदू भाई ओम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाह गुरु, और क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा सूट करता हो उसको पकड़े, नाम जो बार बार आपके मन और दिमाग के अंदर आता हो उसको पकड़े। आसन वही है, सुख आसन से पौड़ी लगाकर बैठे और हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाएं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपके चरण में विश्राम चाहता हूं, मुझे ध्यान नहीं चाहिए, विश्राम चाहिए। और ये ख्याल करें कि आपका हृदय जो दुख दुख करता है उस हार्ट बीट से ओम नाम निकल रहा है, ओम। जवान नहीं कह रहे, जवान से नहीं, मन से, मानसिक रूप से। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं और ओम बड़े प्यार से ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है और ना कोई दूसरा ख्याल रहता ना विचार, ऐसे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था, जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। हमें फिर एहसास होता है बड़े आनंद का, हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, यदि इस प्रकार से करेंगे विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे हम सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद हमें अपनी आत्मा और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारा काम का समय ना लिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप है, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली है, क्योंकि दुनिया के व्यवहार का कोई काम नहीं कर रहे होते इस पीरियड के अंदर। इस भोजन के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा, वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़े और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई हर्ज नहीं, पर नुकसान क्या है इसका? विशेष हर्ज, जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो हम खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि अपने आप को हमने वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और वो परिवर्तन क्या है? जब भी आपके सामने भोजन आ जाए, अपने इष्ट को अर्पण करिए, हर ग्रास हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं,
ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के पेट में जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद के पिए। यह अभ्यास भोजन की एक विशेषता है। भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, खून जो बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक आपको परमात्मा की याद आएगी, ईश्वर की याद आएगी, भगवान की याद आएगी। अगर आप भोजन भगवान की याद में करते हैं जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से चार विशेष बात बतलाई हैं। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। यह है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने आसान तरीका बतलाया कि कैसे ये सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की रात का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद स्वतः ही आएगी, दूसरी तप मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं। और पूजा में भी बैठ के आधा घंटा परमात्मा की याद करते हैं तो ये आधा घंटा भोजन का परमात्मा की याद में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादित्य निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर सभ्य तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा तो बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई मीठा खाता है, कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीता है सारी जिंदगी। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब पूजा के आपके दो घंटे हो गए, आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। और मन इतनी पक्की आदत बना लेता है कि अगर आपने 15 दिन ये काम नियम से कर लिया तो 16वें दिन आपका पत्र नहीं करना पड़ेगा। आपका मन, आपका हाथ उसी तरीके से चलना ऑटोमेटिक अपने आप शुरू हो जाएगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।